वेलकम टू बासित अली शो। मैं हूँ इस्मा असलम, मेरे साथ मौजूद हैं बासित अली, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनका जो तजिया है वो इतना शानदार होता है कि आज फाइनल के दिन हमें लग रहा था कि शायद टक्कर का मुकाबला होगा। दो बेहतरीन टीम्स जो हैं फाइनल में पहुंची हैं और बड़ा मजा आएगा। पर बासित भाई ने कहा था कि इंडिया ही जीतेगा और वही हो रहा है। इंडिया जो है वो मैच जीत चुका है, कोई विकेट नहीं वाह गिरी वाह और राम जी बेस्ट खेला है आज बसित भाई। आज जो सिराज ने बॉलिंग कर दी है, एक तो उनकी 6 विकेट्स, हम बहुत ही कम ऐसा देखते हैं। ये बेस्ट बेस्ट फिगर है एशिया कप की हिस्ट्री में अब तक का। क्या कहना चाहेंगे सिराज की बॉलिंग के बारे में? सिराज मियां सिराज जी हैं, और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग करी, जो आज हम बात कर रहे थे कि बुमराह का सोच रहे होंगे, हाँ फोकस कर रहा था। बुमराह ने पहला डंक मारा, हाँ जो राहुल ने बहुत अच्छा कैच लिया, जी उसके बाद सिराज ने पलटने ही नहीं दिया ना। सिराज ने बोला चलिए जी, डंडों में डंडों में डंडों में, और उसको ले, मतलब उसका आउट फिंगर आज बहुत अच्छा हो रहा था, और उसने बता दिया जी कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग किसको बोलते हैं, माफी के साथ था। उन्होंने साबित किया है, बोलने से नहीं, हाँ उन्होंने करके दिखाया है कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग इसको बोलते हैं। और जो नाम नाम के नंबर वन है ना, माफी के साथ, परफॉर्मेंस से होती है नंबर वन टीम बस इतना ही। एक एक ये सवाल ना, ये बात सुन के मेरे दिमाग में आ रहा, फिर निकल जाएगा, इसलिए मैं काट रही हूँ आपको। गौतम गंभीर ने इस एशिया कप से पहले एक इंटरव्यू दिया था, इरफान पठान थे उस इंटरव्यू में, एक कोई और खिलाड़ी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने गौतम गंभीर का कहना था कि पहली दफा ऐसा होगा कि इंडिया की जो बैटिंग है और जो बॉलिंग है वो दोनों पाकिस्तान की टक्कर की होंगी। जैसे हमारी बैटिंग भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन हमारी बॉलिंग के तो हमेशा चर्चे होते हैं। उनका कहना था कि इस दफा पहली दफा ऐसा होगा कि हमारी बॉलिंग जो है पाकिस्तान की बॉलिंग की टक्कर की है। लेकिन जिस तरह से ये, और उस वक्त ना ये भी ऐड कर दूं, सब लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कौन क्या शाहीन से मिला रहे हैं, फैंस, पाकिस्तानी फैंस अच्छा स्पेशली मजाक उड़ा रहे थे कि ये क्या कह रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, तब हमारा शाहीन, नसीम, हारिस और सिराज, शमी और बुमराह को मिला रहे हैं और हार्दिक पांड्या को मिला रहे हैं उनके साथ। लेकिन जिस तरह से इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्म किया है इस टूर्नामेंट में थ्रू आउट, वो प्रूव कर रहे हैं कि गौतम जो थी उनकी जो इनसाइट थी इस चीज को लेके वो सही थी। देखिए, गौतम का तजर्बा तो है ना, खेला है इंडिया को, इंडिया 4 गुना हमसे बड़ा है, उसने सर्व करा है, सही है, उसकी बात साबित हुई। हाँ जैसे सौरव गंगुली के स्टेटमेंट में मैंने कहा था वन साइड मैच नहीं होगा, लेकिन सौरव गंगुली की बात ही सही हुई ना, सही हुई। हम वन साइड हारे मैच, जो सच है। हमारी बॉलिंग ने पहले मैच में डंट डाला 4 आउट करने के बाद, लेकिन 266 रन बने ना। फिर भी हाँ, आपको आपने कैसे थोड़ी ना 100 पे आउट कर लिया और या उन्होंने क्या 150 करा, पे। हाँ 356 के बाद 128 पे आउट करा। तो जो गौतम ने बात बोली सही बोली, इसमें पाकिस्तानी फैंस को बुरा नहीं मानना चाहिए, जो चीज नजर आ रही है ना वो अच्छी है तो आप अच्छा बोलें, जो गलत है उसको गलत बोलें, तो आप सही तजिया कर रहे हैं। अदरवाइज आप किसी को गालियां दे रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, मैं उस चीज को नहीं मानता। और यार सामने देखो ना, सामने प्रूव करा उन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा था बच्चों से मैच हो रहा है। लग ही रहा। हाँ बिल्कुल। एक एक ट्वीट करने वाला था मैं आज, लेकिन मैंने करी नहीं, कि यार इन्हें 2500 और खिला दो। पहला मैच है जिसमें इंडिया ने 100 बॉलों से पहले पहले आउट कर दिया, बिल्कुल रिकॉर्ड बिल्कुल है ये भी, बिल्कुल रिकॉर्ड है ये भी। मतलब बहुत ही अच्छा खेले, भाई बहुत ही बासित अच्छा अली खेले। आपके सामने बोल रहा है वेल प्लेड इंडिया, आपको मुबारक हो, आप डिजर्व करते थे, और आप ही वो टीम हो जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तो हराया है, इस वर्ल्ड कप में भी आप लोग से बहुत ज्यादा उम्मीद है, ये पहले से इन एडवांस बोल रहा हूँ। एक टीम की तरह खेल रहे हैं, दिख रहा है हमें। तो बस भाई, शुएब अख्तर ने भी एक बात कही थी इस फाइनल से पहले, और उनका कहना था कि खाला जी का घर नहीं है श्रीलंका, जो है बड़ा टफ टाइम देगा इंडिया को। शोएब ने, हाँ शुएब ने बोला ये। वो शोएब दादा इंसान है, दादा है वो, और वो बोल सकता है, उसके मिलियंस माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स हैं। आपके भी हो जाएंगे इसी बहाने, मैं कह देती हूँ कि जी जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो बासित भाई अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए नोटिफिकेशन उसका। और जो दादा वाली बात आपने कही, तो वो शेवी भाई तो आपको दादा कहते हैं। हाँ, ये हम एक दूसरे को बोलते हैं, देखो दिल का बहुत अच्छा बंदा है। उसने किसी और कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली होगी कि मैच अच्छा होगा, शायद मीडिया वालों ने शायद इस तरह का खाला जान या इस तरह की नहीं, बात वो ऐसी बोली, चटपटी बातें तो करते हैं, वो तो उनकी आदत है, वो तो वो कहते है हैं। बहुत, भाई मेरे देखने वालों बहुत बढ़िया इंसान है, हाँ दिल वाला बंदा है। अगर पाकिस्तान ने, अगर मुझसे कोई 5 लोगों में बोलेंगे ना, 5 आदमियों में,
तो वकार यूनुस और शोएब अख्तर लाजमी उन दो उन पांच में होंगे, दिल वाले बंदे। वो है ना मूवी दिल वाले दुल्हन दिया ले जाएंगे, जिस तरह आज इंडिया ने जीता ना मैच, तो वो दिल वाला बंदा है, उसके बाद का बुरा नहीं मानना, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो क्रिकेट को पसंद करता है, वो ये नहीं देखता पाकिस्तान इंडिया नेपाल, ना 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 ना, वो बंदा अच्छा है। अच्छा आपने जो अभी गौतम वाली बात करी ना, एक बात और हाँ याद जी आई, फास्ट बॉलर्स ने तो बॉल अच्छे करे, कुलदीप ने बहुत अच्छे बॉल करे। हाँ कुलदीप इस टूर्नामेंट में बहुत बहुत अच्छा डिफरेंट और बहुत मैच विनर बनकर आया है, और ये बहुत बड़ा साइन है इंडिया किया इंडिया में, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, कुलदीप वहां पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करेगा साथ में जडेजा। हालांकि मैं चाल के उसमें आप था, हाँ आज अपना उसको वाशिंगटन सुंदर भी खेला, हाँ वो भी खिला, हालांकि मेरे हमें लग मेरे रहा था लिए सरप्राइज। खिलाएंगे नहीं। हाँ मेरे लिए हाँ सरप्राइज है, सच्ची बात बताऊं। देखें इस टूर्नामेंट से पाकिस्तान ने खोया, पाया नहीं माफी के साथ। बांग्लादेश वो वाली टीम है जिसने इंडिया को हराया, तो मेरा ख्याल है वो तीसरे पे आ गई, हम चौथे पे आए। श्रीलंका ने क्रिकेट अच्छी खेली सिवाय फाइनल के, तो वो सेकंड आए। इंडिया ने क्या पाया क्या खोया आज मैं आपको बोल देता हूँ। जी सारे बैट्समैन परफॉर्मर्स फॉर्म में, हाँ फॉर्म सब में आ फॉर्म में आ गए, गए। सब फॉर्म में। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें मैच हारने या जीतने से अब डर नहीं लगता, जो मेरी सोच है ना। आज उन्होंने ईशान किशन को ओपन करा, चाहे 50 रन हो, अगर 50 ओवर भी खेलते एक एक रन बनाते फिर भी जीत जाते, ये मैं मजाक में बात बोल रहा हूँ। उन्होंने हर चीज इंप्लीमेंट करी, हर चीज अप्लाई करी, हर और हर चीज का उन्होंने अपने सीनियर्स को भी बिठा दिया, हाँ विराट कोहली को बिठाया, सिराज बुमराह फ्रेश रखा, क्योंकि उनकी सोच वर्ल्ड कप है। और आज देख लें दोनों फास्ट बॉलर जो बैठे थे और पांड्या जो बैठा, किस तरह आए हाँ वो लोग। तो बहुत ये अच्छा। वो सोच होती है जो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं थी। हमारे यहाँ अफगानिस्तान से भी वही टीम खेल रही है, सबके नेपाल से भी सब। वही खेल रही है, तो सीखना चाहिए, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, इल्म हासिल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा बासित भाई, आपने कहा था मैच शुरू होने से पहले कि जो टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो जीतेगी, तो फिर अब ये श्रीलंका उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस होगा दसुन शनाका का? उनको क्या लगता है क्यों उन्होंने जो है ऑप्ट किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे इस तरह की पिच पे जहां पे इतना स्विंग हो रहा था? देखिए बात ये नहीं, आप ये देखिए पहले बारिश हुई है, हाँ बारिश के बाद मैच शुरू हुआ ना, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो भी पहले बारी ले रहा था वो अच्छा स्कोर कर रहा था। अब हर टीम इंडिया थोड़ी है मेरे भाई, 356 रन कर दिए पहले बारी लेके, पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग दी थी ना, जी दूसरी दफा पाकिस्तान ने क्या करा, बैटिंग करी, श्रीलंका ने चेस कर लिया। तो हमेशा एवरी डे इज नॉट संडे, उन्होंने देखा, उन्होंने साबित किया कि भाई हम बेस्ट टीम है, और उन्होंने बता दिया। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं कि उन्होंने जो चीज सोची वो चीज इंप्लीमेंट करके दिखा दी, हमने जो सोची उसके अपोजिट हुआ। माइंडसेट जो होता है ना, माइंडसेट जो आप सोच रहे हैं वो इंप्लीमेंट करें, उसमें आप कामयाब हो तो आप टीम बनते हैं। वो कल मैं देख रहा था विराट कोहली तौलिया डाल के पानी पिलाने आ रहा था, परसों हाँ डे बिफोर यस्टरडे हाँ सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, जब उनकी तो मैच था ये साबित करता है कि ये एक जस्ट लाइक ए फैमिली टीम बन गई है। बन गई है। पहले हमें बहुत सी चीजें सुनने को मिल रही थी, प्रॉब्लम है, और एक वक्त पे सोचा जा रहा था कि क्यों इतने कैप्टन चेंज किए जा रहे हैं, क्या कुछ सेटल नहीं हो पा रही है टीम। पांड्या का इतना मजाक भी बनाया गया जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम तो दो टीम्स बना के कहीं भी टूर्नामेंट जीत सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इस टीम ने परफॉर्मेंस दी है अब तो मुझे लगता है इंडिया को रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा। स्पेशली एक और चीज़ जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, उनका होम ग्राउंड, उनका अपना क्राउड, उनकी अपनी कंडीशंस, बड़ा मुश्किल है अब इंडिया को रोक पाना वर्ल्ड कप में इस कॉन्फिडेंस के साथ। आप ये देखें, बात हुई ना, सोचता ज्यादा हूँ इसलिए, इंडिया के जितने भी मैचेस है ना वर्ल्ड कप में, एक ग्राउंड में दो मैच नहीं है, सब अलग अलग मैच है, क्यों कितनी ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है उन्हें ट्रैवलिंग कर करके ना, लेकिन उन्हें इस चीज को वो मैटर ही नहीं करते। अभी आज ही जय शाह ने अनाउंस करा है, मतलब जय शाह क्या ईसीसी ने अनाउंस करा है, $50,000 क्यूरेटर और ग्राउंड मैन को, बहुत अच्छी चीज है। मैं इस चीज में जय शाह को बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि काम भी तो बस भाई उनका बहुत था ना, क्यूरेटर्स का और जो हाँ, ग्राउंड मैन थे, असल इतना में काम था जय शाह उनका। पे बहुत शोर मच रहा था ना, बारिश बारिश। हमारे मुल्क में कोई एक नाम, कोई एक नाम, उसने बता दिया एक नाम दे दो मैं दे रहा हूँ $50,000। अब कोई भी नहीं बोलेगा हमारे मुल्क में, सोशल मीडिया में नहीं लिखेगा, लेकिन जो काम अच्छा है वो तो अच्छा है ना। लेकिन मैं आज भी इस चीज के अगेंस्ट हूँ कि रिजर्व डे सिर्फ पाकिस्तान इंडिया में नहीं होना चाहिए, रिजर्व डे सारी टीमों को बराबर रखे, ये मैं इस पे इस पे बात बहुत कर आवाजें भी उठी हैं, साबिक जो मैं क्रिकेटर्स कायम हैं रहूंगा इस उन्होंने बात पे। उन्होंने भी जो है मेंशन किया है कि
कि आईसीसी भी ऐसा ही करेगी वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के गेम में, अगर अगर ऐसा हो बारिश वगैरह के चांस हो तो उनको दिया जाएगा रिजर्व डे, लेकिन बाकी टीम्स को नहीं दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल ज्यादती है। और सब लोगों ने खुल के इसका इजहार किया है कि ये गलत चीज है, होना नहीं चाहिए। इसमें ये देखो अय्यर मेन प्लेयर था जी, अब वर्ल्ड कप जब में मैच होगा कौन खेलेगा? ईशान किशन, वो भी ब्रिलियंट फॉर्म में, टेंशन ही नहीं है ना उनको, जिसको मर्जी खिला दें। अब इंजरी का भी अगर होता है कुछ तो मतलब लंबा टूर्नामेंट, दो विकेट कीपर खिला रहे हैं। हाँ, कभी कभी ईशान कर रहे हैं कीपिंग, कभी केएल राहुल कर रहे हैं। अब हमने भी ट्राई करा था हारिस को खिला के, वो नतीजा आपने देख लिया। तो ये भाई हम लोगों का तो सिस्टम ही अलग है ना, हम तो लड़के खेले होते हैं T20 में, हम उनको डाल देते हैं बड़े गेम्स, ODI प्रेशर अलग, नहीं नहीं इंडिया ने भी डाले हैं, IPL के लड़के डाले, ये जो अपना बस भाई इन्होंने कितनी तिलक वर्मा आया क्रिकेट कितनी खेली है, लिस्ट ए गेम्स कितनी खेली है, उनकी प्रैक्टिस कितनी है वो भी तो देखे ना। हमारे यहाँ तो लड़के IPL PSL खेलते हैं, उसके बाद ना कोई उनके लिस्ट ए के मैचेस होते हैं, ना कोई उनके डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस होती है, बस वो उसी परफॉर्मेंस पे खेलते चले जाते हैं फिर नेशनल टीम में। उनकी बेस बहुत अच्छी है, चलें ये हम हटकर बिल्कुल ही अलग बात हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी तो टाइम है, अभी तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, उस पे प्रोग्राम जबरदस्त होंगे। लेकिन जी बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को, इंडिया के जितने भी बाहर ममालिक में मेरे दोस्त रहते हैं सबको मुबारक हो। इंडिया ने बिल्कुल ही बच्चों की तरह हराया श्रीलंका को, और मैच में मजा इसलिए नहीं आया, एक मैच और हो जाता ना ज्यादा अच्छा, आज के दिन ही करा लेते एक मैच 20-20 ओवर का। वैसे एक मजे की बात आ रही है, 20 ओवर नहीं खेलते तो मैच तो पूरा ही नहीं होना था बारिश में, वो एक कंडीशन थी। वैसे हाँ ये हो सकता है दोबारा करा लें तो श्रीलंका बोल सकता है हमने तो 20 ओवर खेले खेले खेले, हमें जाती है ये मजाक अच्छा है वैसे चलें बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बस भाई आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह ताला जी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मुलाकात होगी, और वंस अगेन क्रिकेट सिवाय इस मैच के बहुत अच्छी हुई, मजा आया देखने को। ये 20 दिन हम लोग साथ थे, इंशाल्लाह आगे भी साथ रहेंगे इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। बासित अली की तरफ से और इस्मा असलम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।